सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। पूरे विश्व को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले रखा है और इसी के चलते 2020 में होने वाले ओलंपिक को टाल दिया गया था, लेकिन जल्द ही टोक्यो में ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है और देशवासियों को कई खिलाड़ियों से गोल्ड मेडल की उम्मीद है और उन्हीं खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अलग अलग संस्थाएं अब रक्तदान शिविर लगा रही हैं। और इसी कड़ी में सोनीपत के रोटरी क्लब में पहलवान बजरंग पुनिया फाउंडेशन की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने अपनी आहुति दी और देश के खिलाड़ियों के साथ साथ सैनिकों के लिए रक्तदान किया। इस मौके पर बजरंग पुनिया के भाई हरेंद्र पुनिया और एक युवा स्थानीय निवासी दीपक ने कहा, रक्तदान से बड़ा कोई महादान नहीं होता और हम युवाओं से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें ताकि जरूरत के समय हमें आसानी से रक्त मिल सके और किसी की जान बचाई जा सके, क्योंकि देश में कोरोना वायरस के समय हमें अधिक से अधिक रक्तदान की जरूरत होती है और जो हादसे होते हैं उनमें भी किसी की जान बचाने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। वहीं टोक्यो ओलंपिक होने जा रहा है और हम अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, इसलिए हमने भी आज बजरंग पुनिया फाउंडेशन के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। 2 साल से जब से महामारी आई है, जब से हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है, हानि तो है ही, और इससे ब्लड कैंप इसलिए लगवाया कि किसी की सहायता हो। फाउंडेशन की ओर से जो ब्लड कैंप लगाया ना, लोग युवाओं के अंदर एक जोश आया और उन्होंने बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लिया है। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, नए लोग युवा आए, उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। लोगों के अंदर थोड़ी सी भावना होती है कि ना हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो हमें हमारे थोड़ा शारीरिक ऐसे हो जाएगा वैसे, पर ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता। साल के अंदर ना एक स्वस्थ आदमी को 2 से 3 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। दीपक, अभी टोक्यो ओलंपिक भी आने वाला है, अपने देश जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले गए उनके लिए भी एक तरह का मोटिवेशनल प्रोग्राम है ये, उस पर क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, हम सभी लोगों की आशाएं हैं कि अभी टोक्यो ओलंपिक आ रहा है, देशवासियों ने इतनी उम्मीद लगाई हुई है पहलवान जी के साथ और सभी हमारे स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के साथ कि देश का नाम रोशन करेंगे और बढ़ चढ़ के इसके अंदर हमारे देश का एक होगा। तो ये एक जो फाउंडेशन की ओर से जो ये पहल उठाई गई है, सभी खिलाड़ियों को एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया है कि आप अभी कोरोना काल के साथ साथ ना सेफ रह के और छोटे छोटे इनिशिएटिव्स करें जिससे कि लोग मोटिवेट हों। जो बजरंग फाउंडेशन किस तरह के कार्य है वो सोनीपत में कर रही है? ये स्पोर्ट्स और एजुकेशन से रिलेटेड एक फाउंडेशन है जो बच्चों को एजुकेशन के लिए और स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करती है। जो जरूरतमंद लोग हैं जो अपने बच्चों को आगे प्रोत्साहन नहीं दे पाते कि नहीं, फाइनेंशियल नीड्स उनके पास नहीं होती और वो चाहते हैं कि कहीं से हमें सपोर्ट मिल जाए कुछ फाइनेंशियली तो हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएं। ये ऐसी फाउंडेशन है जो बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। अभी तक कितने युवा बढ़ दे चुके हैं यहाँ पर? अभी सर 25 से 30 लोगों ने दे चुके हैं और 25 से 30 लोग अभी हमारे पास इन वेटिंग में हैं। तो जैसे जैसे मैनेजमेंट आगे जा रही है हम कार्य कर रहे हैं।